कासिमाबाद क्षेत्राधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर मंगलवार को भीम आर्मी सेना के पदाधिकारी जिलाधिकारी कार्यालय के मुख्य गेट पर धरने पर बैठ गए। कार्रवाई की मांग को लेकर नारेबाजी करने लगे। मौके पर सदर क्षेत्राधिकारी ओजस्वी चावला पुलिस कर्मियों के साथ ही मौके पर पहुंच गए और धरने को खत्म करने की बात कही। इसी बीच सदस्यों और सीओ के बीच तीखी झड़प के बीच नोकझोंक हो गई। आखिरकार पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया और पुलिस लाइन ले गई। भीम आर्मी के पदाधिकारियों का आरोप था कि भीम आर्मी के जिला उपाध्यक्ष इंजीनियर विजय कुमार को कासिमाबाद क्षेत्राधिकारी एवं थानाध्यक्ष नोनहरा द्वारा बीते 10 अक्टूबर को फोन पर गालियां दी गई थी। इसका एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसकी रिकॉर्डिंग सीडी पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दे के दिया गया था। इसके बावजूद संबंधित अधिकारी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोपी थानाध्यक्ष पर कार्रवाई की मांग को लेकर ही भीम आर्मी के सदस्य धरने पर बैठे थे। धरने की जानकारी होने के बाद मौके पर पहुंचे सीओ सदर ओजस्वी चावला लोगों को समझाने लगे। फिर वहां बहस शुरू हो गई। काफी देर तक नोकझोंक होती रही। भीम आर्मी के सदस्य इस बात को लेकर अड़े रहे कि जब तक कासिमाबाद सीओ के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक जिलाधिकारी गेट पर धरनारत रहेंगे। बाद में पुलिस सभी को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन ले आई। इस मौके पर जोनल प्रभारी विनय सागर, भीम आर्मी के जिला उपाध्यक्ष इंजीनियर विजय कुमार, मंडल अध्यक्ष गोरखनाथ बौद्ध, विशाल गाजीपुरी, कमलकांत, मनोज गौतम, कन्हैया राम, राजनाथ यादव, सपना बौद्ध, रीना भारती, सुषमा चंपा सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। राष्ट्रीय स्तर के कवि है जिन्होंने स्पष्ट उनकी दो लाइने में आपको बताऊं, उन्होंने लिखा है कि जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी वो आज देश का प्रधानमंत्री बना लेकिन किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। लेकिन विशाल गाजीपुरी ने जो एक अनुसूचित जाति का गायक है एक गीत गा दिया था जिसके वजह से इस लड़के को लगातार अक्टूबर के महीने से जान से मारने की धमकियां, लोगों ने इसकी स्टूडियो जलाया। हम लोगों ने लिखित तारीख नोनहरा थाने पर जो है 20 अक्टूबर को लिखित एप्लीकेशन दिया था। सीओ महिपाल पाठक कासिमाबाद से मैंने बात किया। सीओ महिपाल पाठक ने यशो से जब बात करने के दौरान मेरा फोन होल्ड करके यशो साहब बात कर रहे थे, उसी दौरान फोन पे माँ बहन की गालियां मुझे दी जा रही थी। सीएम महिपाल पाठक के खिलाफ मैंने 31 अक्टूबर को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को मैंने लिखित तारीख दिया था लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और लगातार विशाल गाजीपुरी को लगातार धमकियाँ आज भी मिल रही है। अभी एक ओम प्रकाश सिंह को ही है जिनका बाकायदा सीडी हम लोगों के पास रिकॉर्डिंग है, 56 लोगों की रिकॉर्डिंग सीडी हमारे पास है। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।